मैंने ये देखा है कि वॉफल्स हो गए, पैनकेक्स हो गए, ये माउंटेन्स में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये ड्राई थिंतुक है। यस। ये सब्जियां कहाँ से आती हैं? अपने घर से। Anubhav, this is also very like really interesting place. It's like a food hub where there are different cafes. So यहाँ पे आपको रंधुवू कैफे और यहाँ पे जर्मन बेकरी कैफे। मैंने आपको पहले बताया था ना कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जर्मन बेकरी स्टाइल में बेक करना सिखाया है। सो यहाँ पे अभी अवेलेबल है बहुत सारी केक्स, अलग अलग किस्म के। एंड देन यहाँ पे देर आर फ्यू अदर न्यू प्लेसेस लाइक कालिम्पोंग एक्सप्रेस, वहाँ ऊपर है, वहाँ पे पैन एशियन, गोरखाली, थकाली और नॉर्थ ईस्टर्न क्विजीन मिलता है। ये काफ़ी नया है, अभी इसको हुआ है शायद दो साल ही हुआ है, बट ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। अच्छा, पूरा स्ट्रीट फूड जॉइंट। या फ्रॉम रोल टू पराठा, वहाँ पे हर किस्म के पराठे मिलते हैं, इट्स प्रीटी गुड। और ये वाला जो गली है इसको हम बाइक गली भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बाइक्स रेंटल्स हैं। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा सा क्यूट सा हॉस्टल करके भी है, वेरी अफोर्डेबल हॉस्टल, you know, young solo travelers, या friend group of friends है। Yeah, and so अभी हम जाएंगे Chocomonk, it's a handcrafted chocolates and confectionery. बैटर बना रहे हैं, इसमें एक अंडा है, दही है और ये बकवीट फ्लावर है जो यहाँ शाम वैली से लाया गया है। तो जैसे कोई अगर ऐसा भी होता है कि वीगन पैनकेक भी मांगते हैं या वॉफल मांगते हैं, वॉफल तो उसमें क्या डालते हैं? तो अंडे के बदले मैं बनाना डाल के, और मक्खन के बदले, मक्खन के बदले ये बटर पेपर लगा देती हूँ, फिर ऑयल यूज़ करती हूँ। अच्छा, हो गया। पुणे से? नहीं, मैं बैंगलोर से। तो आपको क्या ले, क्यों, मतलब ऐसा क्या था जो आपको खींचा, आपको खींच के ले आया? तो मैंने एक्चुअली ले किसके लिए आई थी कि मैं सिर्फ यहाँ विपासना जो मेडिटेशन कोर्स, मैंने भी किया। तो मैं सिर्फ उसी के लिए यहाँ आई थी। अच्छा। मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं एक्चुअली इंडिया के बाहर थी, तो मैंने सोचा कि वापस इंडिया चलते हैं, तो ब्रेक लेते हैं 3-4 महीने का, फिर सोचते हैं क्या करना है। तो मैंने सिर्फ विपासना करने आई थी और जस्ट देखने के लिए ली। विपासना किया, बहुत अच्छा लगा, फिर घूमा, ट्रैक्स किया और लोग मुझे इतना पसंद आए यहाँ पे और सब कुछ यहाँ का, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं यही रह जाते। और ये मेरा प्रोफेशन है, मैं 10 साल से पेस्ट्री शेफ और चॉकलेटियर रही हूँ। तो मैंने कहा मौसम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है चॉकलेट्स के लिए, क्योंकि ड्राई रहता है यहाँ पे, तो ह्यूमिडिटी कम होने से चॉकलेट्स का शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है वर्क करने के लिए, और ठंडा रहता है, एसी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होता है, इवन दो दीज आर प्योर चॉकलेट्स। तो एवरीथिंग वर्कड आउट टुगेदर और आई एम हियर नाउ। अच्छा, बताइए प्लेट्स में क्या क्या है? तो मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि लोकल इंग्रेडिएंट्स जो लद्दाख में उगता है उससे कुछ एक्सपेरिमेंट करके चॉकलेट्स बनाएं। तो ये जो प्लेटर में है, जो मैंने ये फर्स्ट वाला जो है ये संपा जो बोलते हैं रोस्टेड बार्ले पाउडर, उसको यूज़ करके फिर उसमें आलमंड पीसेस और मिल्क चॉकलेट डाल के उसको बनाया। यहाँ का एक डिश होता है स्वीट डिश कॉल्ड फेमर। हाँ, मैंने खाया। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, तो मैंने उसको माइंड में रख के फिर इसको बनाया हुआ है। और सेकंड जो है ये सी बकथॉर्न है, जो यहाँ का
मोस्ट फेमस सेलिंग प्रोडक्ट है. तो सी बकथॉर्न बेरी और छुरपे. छुरपे जो होता है यहाँ का ड्राई चीज़ होता है जो ज़्यादातर थुपा और लोकल डिशेस में यूज़ करते हैं. तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि ऑलरेडी ड्राई है, तो उसको पाउडर करके सी बकथॉर्न के साथ, जैसे सी बकथॉर्न चीज़ केक जैसे फ्लेवर आता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और ये थर्ड वन है जो छांग है, यहाँ का जो लोकल फर्मेंटेड ड्रिंक यानी बियर होता है जो बार्ली से बनाता है. एंड इट्स अ वेरी स्टेपल ऑफ द कल्चर हियर कि स्टार्टिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, क्लोजिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, सब छांग से ही. और जो भी ऑस्पिशियस होता है छांग लेके जाते हैं, पूजा में भी छांग ऑफर करते हैं. तो उसका टेस्ट भी बहुत डिस्टिंक्ट है. तो मैंने उसको जैसे राम एंड रेजन बनाते हैं, मैंने छांग एंड रेजन. और लास्ट वन वॉलनट्स, अगेन वेरी फेमस. तो जो वॉलनट्स है यहाँ का लोकल, उससे सॉल्टेड कैरमल और प्रलीन जो है वो वॉलनट का प्रलीन बना के. फिर ये बकवीट वॉफल्स है. सो इस दिस इज 100% बकवीट, नो मैदा इन इट, सो इट इज़ ग्लूटेन फ्री. एंड अगेन जो बकवीट जो है यहाँ का स्पेशलिटी है, जो यहाँ हाईलैंड बकवीट जो बोलते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी फाइब्रस होता है. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग इट विथ मैदा, आई मेड इट विथ सो समथिंग विच इज़ फ्रॉम हियर बट ऑल्सो अ ग्लोबल अप्रोच. सो इट does reach out to a lot of westerners who come here, so they are excited to try all of this. Gluten free waffles, yes. Uh-huh. And that is our very famous signature cake, which is made with walnuts, apricot and sea buckthorn. Mm-hmm. So jo sponge hai, wo walnut se banaya hua hai. Mm-hmm. Walnut ko powder karke fir cake banaya hua hai ye. Ha ha, acha. और वो जो बटर क्रीम है उसमें सी बकथॉर्न और एप्रिकॉट है और चॉकलेट, सो माइनस द चॉकलेट शॉप तो थोड़ा चॉकलेट. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीटनेस, नटीनेस एंड सावरनेस गोज वेरी वेल इन इट. एंड देन एंड दैट इज अगेन या चॉकलेट. तो आप चॉकलेट कहाँ से सोर्स करते हैं? चॉकलेट मैं एक्चुअली बेल्जियम से सोर्स करती हूँ. ऐसा क्यों? मतलब इंडिया में अच्छा चॉकलेट मिलता है तो. ट्रू, वी आर गेटिंग वेरी गुड चॉकलेट नाउ एंड लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग. बट ये था कि मैं पहले मार्केट, मुझे ये नया था, ले वॉज वेरी न्यू फॉर मी. एंड मैं पहली बार कुछ बिजनेस शुरू कर रही थी. तो एंड दिस सर्टन यू नो चॉकलेट्स फ्राम फ्रांस, बेल्जियम एंड स्विस, आई हैव वर्कड ओवर द ईयर्स विद इट एंड आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल की मैं कुछ और एंड आई एम श्योर ऑफ द क्वालिटी, क्योंकि बहुत ऑलरेडी काम था मुझे जो काफ़ी नया था, लाइक getting the interiors done and all of that bahut. So I wanted something comfortable to work with in the first place. So slowly slowly I will start experimenting with local Indian, you know, because chocolates mein kya hota hai, to make bonbons especially uska viscosity hota hai, uska bahut kuch hota hai jo kafi naye chocolate makers mein kya hota hai, wo sirf bar banate hain. But jo workable chocolate hota hai, there are lot more components into it जो अभी उतना इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आया. बट आई वुड रियली लव टू ट्राई एंड आई विल कीप दैट इन माइंड एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड. और कॉफी कहाँ से सोर्स करते हैं? कॉफी बिकॉज आई एम फ्रॉम कर्नाटका, आई गेट इट फ्रॉम एस्टेट्स इन चिकमंगलोर, फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ बाबा बुडनगिरी वेयर द फर्स्ट कॉफी स्टार्टेड इन इंडिया. तो कहाँ पे सब यही बनाते हैं कि? नहीं, मैं घर में थोड़ा स्मॉल प्रोडक्शन सेटअप बनाया हुआ है, तो सब मैं घर में बना के फिर यहाँ ले. As always, yummy. बहुत बढ़िया बना हुआ. थैंक यू. बिल्कुल मॉइस्ट है. ये बनने में 3 दिन लगता है, राइट? हाँ, एटलीस्ट मिनिमम 2 दिन तो लगता है, क्योंकि वो स्टेजेस होता है उसका सेट होने में. फिर स्पॉन्ज बनाने के बाद उसको ठंडा करना पड़ता है, फिर उस लेयर्स को सेट होने में, फिर काटने से पहले अगर बिना सेट होके काटेंगे तो अच्छी तरह से कटेगा नहीं, क्लीनलीनेस नहीं आएगा. तो काफ़ी एफर्ट लगता है. बहुत अच्छा टेक्सचर है, मतलब थोड़ा ग्रेनी भी है. हाँ. और दोनों साइड से क्रिस्प है, बीच में बिल्कुल सॉफ्ट है. okay. और थोड़ा स्वीटनेस हनी का है.
I like that one. That's different. ये तो हर जगह मिल जाएगा. ऐसा क्यों है कि मतलब मैंने ये देखा है कि वॉफल्स हो गए, पैनकेक्स हो गए, ये माउंटेन्स में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है. जो भी मीठा होता है ना, और जो भी क्योंकि माउंटेन्स में क्या होता है, आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है, तो योर बॉडी नेचुरली एन्जॉयज ऑल ऑफ दिस. होता है कि थोड़ा एक जो एक माहौल होता है वो भी फ्लेवर ऐड करता है. श्योर श्योर. हल्का सा खट्टापन है छांग का. अच्छा, मेरा एक बहुत ही बोरिंग सा क्वेश्चन रहता है. मैं हमेशा कोई शेफ से मिलता हूँ, पूछता हूँ, जैसे लोग फूड पेयरिंग करते हैं और नए डिशेस इवॉल्व हो रहे हैं, तो जब आप ऐसे चीज़ों को मतलब मिलाते हैं, जैसे कि आपने सोचा छांग के साथ ये मिला है, या फिर बार्ले फ्लावर के साथ में आपने चॉकलेट मिला है, कैसे मतलब ये आइडियाज़ कैसे सोच आती हैं ये सब? क्योंकि कि अच्छा साथ में रहेगा नहीं रहेगा? नो, वो तो हाँ, क्योंकि जब जब भी मैं नया जगह जाती हूँ तो आई लव टू ट्राई द लोकल फूड. फिर आई जस्ट गेट इन टू द फ्लेवर कैसा होता है, फिर माइंड वहाँ से ये किसके साथ अच्छा रहेगा, ये क्या कर सकते हैं. फिर मेरा चॉकलेट्स तो बहुत सालों से आई बीन वर्किंग विद चॉकलेट्स. तो कहाँ पे थे? मैं ले आने से पहले मैं बहरीन में एक चॉकलेट कंपनी में काम करती थी, उससे पहले कुवैत में थी, फिर इंडिया में बैंगलोर में मैंने मू एंड पिक होटल्स में काम किया, फिर जे डब्ल्यू मैरिट में भी पेस्ट्री टीम में थी. सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया. हाँ, हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि फ्लेवर्स कैसा है. जैसे बार्ली है वो नटी फ्लेवर है, सो नटी फ्लेवर्स नॉर्मली इट गोज़ वेल विद चॉकलेट. सी बक्तन हो गया, सो जो वी मेक बेरी बेरी चीज केक बनाते हैं, तो ये भी बेरी ही हो गया. सो दैट वे फॉर मी ये था कि कमर्शियली मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे यहाँ रहना था और जो मुझे मैं जानती हूँ वो लोगों में बांटना था. दैट वॉज माई ओनली इंटेंशन, एंड इट वॉज नॉट अबाउट डूइंग अ बिजनेस या ऐसा कुछ नहीं था. और सिटी से बाहर निकलना था, मुझे अभी सिटीज में मन नहीं लगता है, तो आई लाइक टू बी इन अ पीसफुल एनवायरमेंट. सो इट्स नाइस, हर दिन हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से मिलते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है. आपने जो बोला मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ. देखिए, जिस काम में मज़ा आता है वो काम करना चाहिए आपको, और जिस काम जो काम आता है वो करना चाहिए. तो आपको वो इस काम का अनुभव है, आप ये काम करते आ रहे हैं इतने समय से, आपने वही काम यहाँ के शुरू किया, और जब लोगों को अप्रिसिएशन मिलता है तो यू फील सेटिस्फाइड कि हाँ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. एंड देन आप विपासना मेडिटेटर हैं, तो हैप्पीनेस दैट्स व्हाट मैटर्स. वही काम मैं भी कर रहा हूँ, आई लव ईटिंग. So that's what I'm doing. Thank you so much for coming. It was a pleasure having you. तो कितना समय हो गया आपके रेस्टोरेंट को? जी यहाँ पे मेन मार्केट में आई थी तो मुझे 4 साल हो गए. अच्छा, पहले कहाँ था? पहले हम इस्लाम कैंटीन चल रहा था, वहाँ पे हम 6 साल वहाँ भी काम किया था. मैंने साइज थोड़ा बड़ा रखा था. अच्छा. जो वो फ्लैग नूडल जो थोड़ा वो फ्लैग जो थोड़ा बड़ा साइज आते हैं. नूडल्स अपना जो थिंतुक बनाते हैं नूडल्स, हाँ. वो अपना बनाते हैं कि बाजार से लेते हैं? नहीं नहीं, हाँ यहाँ भी बनाते हैं, अपना ही बनाते हैं. अपना बनाते हैं. अच्छा. ये क्या है, पनीर? हाँ, ये जो पनीर. अच्छा, वेज में पनीर जाता है? हाँ जी, ये लोकल पनीर, लोकल लुक्की है. ये क्या है? ये ब्लैक फंगस है. ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस, हाँ जी. ये सब कहाँ से आता है? ये तो मैंने दिल्ली से लिया, लेकिन ये बाहर वाला है. ये मशरूम हुआ है ना? मशरूम? हाँ हाँ, मशरूम है. हाँ.
एक मसाला होता है लोकल का। क्या होता है? जिंजर गार्लिक? जिंजर गार्लिक नहीं है क्या? ये एक यरमा बुक किया था, वो मिस किया था मैंने। यरमा? हाँ यरमा। और इसमें अपना लोकल एक सतु होता है, वो सतु मिस करता था, मंगोलीज लोकल। फ्राइड ही होता है? हाँ पुलिस इसको मैंने डीप फ्राई किया था, डीप फ्राई किया था, तब इसको ये इसमें डाल के हम क्लॉथिंग डाल के रहता है, फिर इसको ये नरम हो जाता है। फिर इसी का एक सॉस होता है, इसमें केचप और फ्लैक चिली और शुगर चीनी सब मिक्स किया था इसको। नॉर्मल फ्राई हो जाएगी, इसके लास्ट में बटर डालना है, इसको बटर डाल के उसके बाद तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अभी मैंने गैस सिम करके थोड़ा रखेंगे, अगेन एक लोकल सिबकथॉन जूस है जिम्पू। जिम्पू एक्चुअली मीन्स टेस्टी, लद्दाखी में टेस्टी, जो चीज़ टेस्टी बोल उसको जिम्पू बोलते हैं। वेरी वेरी टेस्टी ले बेरी। तो ये ड्राई थिम्तुक है? यस। अच्छा लद्दाखी क्विजीन में टिबेटन फूड का कितना इन्फ्लुएंस है? वो बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारा, जो आई मीन हिस्टोरिकली भी रिलीजन वाइज काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। जैसे आप अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इतना लद्दाखी रेस्टोरेंट नहीं, मगर यहाँ पे टिबेटी पोताला पैलेस लासा में जो है उसका एक बहुत बड़ा फोटो है। और पहले जब मैं छोटी थी तो हर रेस्टोरेंट में, ज़्यादातर रेस्टोरेंट में पोताला का ही बड़ा वाला पोस्टर हुआ करता था, अभी कम हो गया है। बट उसी के साथ साथ जैसे हमारे जो रिलीजन बुद्धिज़्म भी, महायाना बुद्धिज़्म है जो वो टिबेट से कनेक्टेड है, बहुत सारे टीचर्स टिबेट से थे, गुरुस टिबेटन गुरुस, तो खाना भी आई मीन खाना नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन, मगर वैसे भी कल्चरली हम सेम ऊपर थोड़ा एलिवेशन में रहते हैं, तो मीट का खाना अभी तो बहुत ज़्यादा लोग वेजिटेरियन बन गए हैं, जैसे ये भी वेजिटेरियन थेंतुक है। तो थेंतुक थेन मतलब पुल करना ना, थुप्पा इज एनीथिंग विथ सूप, ब्रॉथ बेस्ड जो डिश होता है, तो ऐसे हम आटा गूंद के इसको ऐसे 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 पुल करके आटे को काटते हैं, ना कि ऐसे छोटे छोटे नूडल्स बना के। तो ये बहुत आसान तरीका हुआ करता था, गेहूँ वीट का जो आटा को हम फ्लैट करके उसको पुल करके, अब ये वाले वर्जन में उसको फ्राई किया गया है, सो दैट्स व्हाई दिस इज लाइक, जैसे आप ये है ना, ये वाला है, तो ये थेंतुक ही है मगर फ्राइड वर्जन है। तो यहाँ का ये स्पेशलिटी है, यहाँ पर सबसे फ्लेवरफुल टेस्टी थेंतुक मिलता है। नहीं ऐसा कह रहा था, मैं समझ रहा था अपना एक ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी भी है तिब्बत से और साथ में कल्चर सिमिलरिटी भी है, तो दोनों ही का कारण यहाँ पे सेम फूड मिलता है। सेम काइंड ऑफ फूड, मगर तिब्बत में फिर भी आई थिंक अलग अलग जगहों में चाइना के जो चाइना से जो खाना आता है वहाँ का बहुत सारा इन्फ्लुएंस होगा आई एम श्योर। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे भी बकवीट उगाते हैं, यहाँ पे भी उगाते हैं, बार्ली उगाते हैं दोनों जगह, फिर हम छंग बनाते हैं, पटची बनाते हैं, सो या वी डू हैव काफ़ी सारे कल्चरल फूड में सिमिलैरिटीज तो बहुत ज़्यादा है। ये खाइए। जो नूडल्स है वो थोड़ा सा च्यूवी है, बट ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर रियली फ्रेश। जो ये ड्रिंक है जिम्पो, इसमें आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है, विटामिन सी, ई, बी1, बी2, बी6,
अमीनो एसिड्स, ओमेगा एसिड्स और रेयर ओमेगा 7. जैसे लद्दाख में हम लोग मछली बहुत कम खाते हैं बाय द वे. अच्छा, यहाँ पे फिशिंग ज़्यादातर लोग नहीं करते लोकल्स. यहाँ अभी वी डू, हमें मिलता है फिश अलग, यू नो ट्राउट, हिमालयन ट्राउट मिलता है रेस्टोरेंट्स में, मगर कल्चरली हम मछली नहीं खाते, बाहर खाते हैं. तो जैसे ओमेगा, अभी ओमेगा मछली में कौन सा वाला? ओमेगा थ्री है ना. सो अगेन इसमें भी ओमेगा थ्री है, ओमेगा सिक्स है, 9 है, तो फिर वो एक सप्लीमेंट की तरह यू नो हो जाता है, बूस्ट इम्यूनिटी. नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो एडेड कलर. बाय. मार्केट में बहुत कम जगह जो डिमोलिश नहीं हुए वो है कुछ लोग, कुछ जगह जैसे वहाँ पे फर्स्ट एक बिल्डिंग है वो वाला, फिर ये डिजू मंजिल है, फिर वहाँ बीच, यहाँ बीच में लासा आर्ट के ऊपर एक बिल्डिंग है, और फिर वहाँ पे गुरुद्वारे का जो धर्मशाला है जहाँ पे लोग आके रहते, अभी भी रहते हैं बहुत सारे लोग, तो वैसा है. और ये डिजू मंजिल जो है, यहाँ पे पहले का डिजू का स्टूडियो होता था फोटोग्राफी का ना, तो ये उस ज़माने का अभी बंद हो गया. अभी उनके पास फोटोज़ बेचने के लिए है, बट देन दे डोंट डू फोटोग्राफी एनीमोर. सो लद्दाख में जैसे फोटोग्राफी के जो जो फ्यू जो जो स्टूडियोज थे, एक डिजू मंजिल का था, और एक दो और स्टूडियोज हैं जो यहाँ पे लोग बहुत सारा फोटोज़, जैसे वो पुराने ज़माने में नहीं होता है वो, हम पर्दे के आगे फिर एक पीछे एक सुंदर सा लैंडस्केप पेंट करके उसके आगे और कपड़े पहन लिया, और लद्दाखी कपड़ा पहन लिया, और वैसा वाला वो ऐसा करके पोर्ट्रेट या फुल लेंथ फोटो, फैमिली फोटो ऐसा हमने बहुत क्लिक करवाया हुआ है, ऐसा वाला जो स्टूडियो में जाके पेरेंट्स के साथ क्लिक करवाया हुआ है. अब तो खैर सबके पास मोबाइल फोन का ज़माना है, बट वो भी टाइम देखा है. तो वैसे वाले स्टूडियोज उनमें से एक है ये डिजू मंजिल. बाकी ये पीछे नेहा के स्नैक्स हैं, जहाँ पे आपको जिनको जिन टूरिस्ट को अपना डोसा और दाल चावल और कचौड़ी ये सब खाना है वो सब यहाँ मिलता है, और मिठाई में रसमलाई भी मिलती है. और ये बहुत पुराना यू नो जॉइंट है, ये 1989 के ज़माने से है, तो अभी काफ़ी जनरेशन्स हो गए ना. जैसे मैं आपको बता रही थी यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स फैमिलीज रह गए, जैसे ये हो गया नेहा स्नैक्स, ये पंजाब से, और ये वाला ना लाजपत राय त्रिलोक चंद, इसको हम लाला सुम्पा बोलते हैं लद्दाखी में ना, सुम मतलब तीन, और ये त्रिलोक चंद है तो इसलिए लाला सुम्पा बोलते हैं इनको. वैसे ही वहाँ आगे एक नीला कलर का बहुत सुंदर सा वो है दुकान, वो भी वो लोग कुल्लू से यहाँ आके सेटल हुए हैं. ये सब्जियाँ कहाँ से आती हैं? घर में उगाते हैं ना, सब्जी लगाते हैं घर में, ऑर्गेनिक ये सब कुछ, ये फ्रूट्स भी घर का ही है, ये भी घर का है, ये सारा घर का है. यहाँ आके फिर खाली हाथ नहीं बैठते हम, ये भी घूमते हैं ये साथ साथ है ना. कितना समय हो गया आपको यहाँ पे शॉप लगाते हुए? हाँ जी, कितना समय हो गया, टाइम हो गया आपको? बहुत साल, 18 साल से मैं. 18 साल से इसी जगह पे? 18-19 साल से यही करते रहा. तो इतने साल से आप यहाँ पे, ये जगह तो बहुत बदल गया. हाँ, पहले तो यहाँ पूरा गाड़ी चलते थे, अभी गाड़ी बंद किया, अभी गाड़ी नहीं चलते ये मार्केट में. पहले तो यहाँ से जाते थे, हम वहाँ इधर उधर से जाते थे, वहाँ भी आना जाना होते, अभी बंद किया, अभी अच्छा है ना, अभी अच्छा है, अभी अच्छा है ना. और कितने बजे आते हैं आप यहाँ पे? मैं तो ज़्यादातर शाम को ही, 5 बजे. पूरा बाज़ार शाम में लगता है? हाँ जी, शाम को भी लगते हैं, सुबह भी लगते हैं, सुबह भी आते हैं, सुबह 6 बजे के बाद होता है, 6-7 बजे उसके बाद पूरा दिन होता है. तो जितने भी लोग हैं सब अपने अपने घर से ही सब्जियाँ लेके आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, घर से ही लेके आते हैं, कुछ वो जो अपने घर से तोड़ के फ्रेश है, ये बिल्कुल फ्रेश यहाँ का.
जो नीचे से आता है वो तो दवाई वाला होता है, ये बिना दवाई वाला है। हाँ जी। अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है, टाइम भी पास हो जाते हैं। क्या है ऐसे खाली घर में बैठने से, तो ये सब सुबह शाम ये ठीक करते, फिर उसके बाद शाम को ले आते, कोई शाम को ठीक करते, सुबह ले आते ऐसे। ये ऊन है? नहीं ऊन तो नहीं है, ये तो नीचे से आता है। ऊन नहीं है लेकिन नरम ये भी ले जाते हैं बहुत सारे। हाँ जी। अच्छा हैंडनेट, ये ईयर कवर क्या बोलते हैं इसको, कान को ढकने के लिए ना? हाँ जी, कान को ढक, कान पट्टी। एक कान पट्टी लगा लेते हैं। तो कलरफुल लग रहा है ना? कलरफुल ठीक है ना, अभी यंग है, होना चाहिए। हमारे जैसे बूढ़ा होगा तो नहीं। चलिए ये ले लेते हैं, यह जो ले। हमारा ले का फूड वॉक अभी एंड नहीं हुआ है, टू बी कंटिन्यूड। अभी हम लोग फिर दोबारा ले के बाज़ार में आएंगे और यहाँ पे जो उम्दा जायके हैं वो सब तक पहुँचाएँगे। टिल देन कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय। कोई बात नहीं, सब साफ है, आराम से गिरने चला जाए। नो ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास लोकल खम्बीर ब्रेड है, साथ में था कुशु जो कि यहाँ का लोकल एप्पल है, रक्त से कार्पो, होममेड बटर है, बटर टी है, आलू फिंग की रसे वाली सब्जी है, एप्रिकॉट जैम है। सारा कुछ आप लोग के यहाँ ऑर्गेनिक होता है, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं? नहीं नहीं कुछ भी। बॉटल गॉड देखो, रेडिश लोकल, मतलब साइज देखिए कितना हैवी है।